देखो यहाँ, देखो अच्छे से देखो, बायो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पता है क्या? एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नहीं मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाएंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये जब एक साथ आएंगे ना बच्चों, ये सारे मॉलिक्यूल्स जब एक साथ आएंगे ना, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल एक साथ आने पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? तो हम तो सर हम प्रोटीन से बनते हैं, और बताओ, और सर अमाइनो एसिड से भी बनेंगे, मतलब प्रोटीन ही होगा है, ठीक है ना। उसके बाद सर कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद सर विटामिन, उसके बाद सर हार्मोन्स, ये सारी चीजें होती है हमारे बायो मॉलिक्यूल्स। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती है हमारी बायो मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई क्लियर है सबको? बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ में आया? देखो आपका एग्जाम कभी आपको बायो मॉलिक्यूल्स का मीनिंग नहीं पूछेगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट में सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। मैं बता रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, अगर बायो मॉलिक्यूल्स में कहीं से क्वेश्चन आएगा तो मैं बता रहा हूँ, या तो कार्बोहाइड्रेट से आएगा या तो न्यूक्लिक एसिड से आएगा, मतलब या तो डीएनए आरएनए से क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर, डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन बनते हैं, या कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनेंगे, या हार्डली अमाइनो एसिड से क्वेश्चन आ जाते हैं तीन से, ठीक है ना। तो आइए, सबसे मेजर टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जो कि आज ऑलमोस्ट हम खत्म करने वाले, ठीक है ना बच्चों। अब देखना कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, बताओ यार मैसेज करके, तो आपको सबको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आर द फंक्शन एज एनर्जी का सोर्स, ये एनर्जी का सोर्स होते हैं, ठीक है ना बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। बोलो क्लियर है? अब देखो, जब कार्बोहाइड्रेट की डिस्कवरी हो रही थी बच्चों, याद रखना, तो देखो सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है, लेकिन हाउ वी गेट एनर्जी, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हाउ वी गेट एनर्जी, तो भाई याद रखना अच्छे से, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो आपने कभी ये वाली चीज पढ़ी होगी सर, कौन सी सर? 6 CO2 + H2O, 6 H2O गिव्स C6H12O6। भाई क्लियर है ये वाली चीज, मैसेज करो, आप सबको पता होगा ना 6 CO2 + 6। लेकिन याद रखना यहाँ पे हम हीट, मतलब एच न्यू डालते, सनलाइट का यूज करते, भाई समझ में आया सबको? ये वाली चीज आपने पढ़ी होगी कि इन दिस रिएक्शन हम सनलाइट, ठीक है ना। जब मान लो ग्लूकोज को हम बॉडी में, मान लो देखो प्लांट का बारे में बात करता हूँ, प्लांट, ठीक है ना, प्लांट में जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं इसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज का बनना। जब ग्लूकोज बनता है ना बच्चों, तो याद रखना 6 CO2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल को अगर हमने सनलाइट प्रोवाइड की प्लांट के अंदर, ये प्लांट की बात चल रही है, ठीक है ना, प्लांट के अंदर, तो ग्लूकोज बनेगा। तो बोलो ये प्रोसेस आपकी कौन सी है, बोलो जल्दी। इज दिस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इस वाली प्रोसेस में हम एनर्जी दे रहे हैं, बोलो। तो ये बताओ एनर्जी दे रहे बोले तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो आप बोलोगे सर इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। बहुत अच्छे सर, अब मैंने ग्लूकोज लिया, जो प्लांट से ग्लूकोज मिला था बच्चों, वो ग्लूकोज मैंने ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। अब इस ग्लूकोज को मैंने खाया, खाया मतलब इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया, हाइड्रोलिसिस किया ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज को मैंने जैसे ही डाइजेस्ट किया, आपको पता है बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना बच्चों। और ग्लाइकोलिसिस प्रोटीज प्रोसेस में क्या बनेगा, CO2 और H2O प्लस प्लस हमें एटीपी मिलेगी, या फिर मैं बोलूंगा हीट रिलीज होगी। बोले तो सर हम जो ग्लूकोज खाते हैं ना, ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इट इज योर कार्बोहाइड्रेट, और इसको खाने के बाद सर बॉडी में हीट बनेंगी, और इसी हीट का कन्वर्जन होता है एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज का हमारे बॉडी में जाना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ग्लूकोज जैसे बॉडी में डिजोल्व होगा, हीट बाहर निकलेगी, समझ में आया सबको? और इसका उल्टा कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, समझ में आया सबको? जल्दी बता, ग्लूकोज हमने बॉडी के अंदर जैसे डाइजेस्ट किया, जैसे मान लो ग्लूकोज मैंने खाया, ग्लूकोज खाने के बाद होगा क्या बच्चों, बॉडी के अंदर CO2 और वाटर रिलीज होगा, और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, और
और जो हीट प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे बॉडी को यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी के फॉर्म में। बोलो भाई क्लियर है सबको, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे मिलती है? दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और इसका उल्टा एंडोथर्मिक प्रोसेस। बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बोलो आगे बढ़ते अभी। चलो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना स्टार्ट कर देते, ठीक है? देखो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही बातें मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा अगर हमने टाइम वेस्ट किया तो कोई मजा नहीं उसमें, ठीक है ना? देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, बहुत अच्छे से सुनना, फर्स्ट होते हैं सर मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, उसके बाद सर दूसरे होते हैं ऑलिगोसैकेराइड, याद रखना ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है ना बच्चों? और थर्ड वाले कार्बोहाइड्रेट हमारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है? मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड ये, और तीसरा वाला पॉलीसैकेराइड, याद रखना पॉली सैकराइड। सैकराइड बोले तो शुगर यूनिट, शुगर बोले तो मैं बता रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर सुन ला, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों, यानी कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, दैट इज आवर वन शुगर यूनिट, ठीक है? एक शुगर यूनिट का मतलब समझ में आया? अगर मैं मोनोसैकेराइड की बात करूं तो इसके अंदर एक यूनिट होगी सिर्फ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होगी। अगर एक ही यूनिट है शुगर की, एक ही यूनिट है शुगर की, शुगर का मतलब मैं वापस से बता रहा हूं, हमारी शक्कर नहीं, ठीक है ना? शुगर एक्चुअल में ये हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर जनरली बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये बातें आपके दिमाग से निकाल लो, जो शुगर खाते विच इज योअर फ्रुक्टोज, ठीक है ना? वो आपका फ्रुक्टोज होता है, तो ये वाली चीज अलग है। और जो शुगर मतलब आपको पता है शुगर बोले तो एक कॉमन नेम है, ठीक है ना? शुगर हम किसी को भी बोल सकते, ग्लूकोज इज ऑल्सो शुगर, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो शुगर, माल्टोज इज ऑल्सो शुगर, तो शुगर कोई एक चीज को हमने बोलते, समझ में आया सबको? शुगर इज अ ग्रुप। बोलो भाई क्लियर है सबको, शुगर का मतलब क्लियर है बच्चों, शुगर एक ग्रुप होता है, समझ में आया? हम किसी को भी शुगर बोल सकते। मान लो बच्चों एक यूनिट है शुगर की तो हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड, और मान लो अच्छे से एक से दस यूनिट है, एक नहीं सॉरी दो से दस, मान लो दो से दस शुगर की यूनिट है हमारे पास, अगर दो से दस शुगर की यूनिट है तो इसको बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड, यानी कि डाइसैकेराइड भी हो सकता है, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोन एंड ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड का मतलब सिंपली होता है कि अगर दो से दस के बीच में, दो से दस के बीच में अगर शुगर के यूनिट्स हो तो हम बोलेंगे सर इट इज अ ऑलिगोसैकेराइड। देखो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ऑलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और अगर 10 से ज्यादा यूनिट्स हो, 10 से ज्यादा, मोर देन 10, 10 से ज्यादा शुगर का यूनिट हो तो हम बोलेंगे सर पॉलीसेकराइड। समझे या नहीं समझे सबको, डिफरेंस समझ में आया? पॉलीगोसेकराइड, ऑलिगोसेकराइड और पॉलीसेकराइड, मोनोसेकराइड, ऑलिगोसेकराइड और पॉलीसेकराइड। हालांकि यहाँ से आज सच कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है ना? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, याद रखना दे आर थ्री टाइप्स, इसका मतलब बहुत प्रॉब्लम कैसे आ सकता है समझ में नहीं। एक मिनट वेट, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। अब बताओ, हेलो अब आवाज आ रही? क्लियर मैसेज करो, एक बार मैसेज कर दो, नाउ इट इज क्लियर, अभी क्लियर है? बोलो अभी आवाज क्लियर है मेरी, मैसेज कर दो, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है आवाज, तो क्या, हाँ तो क्या दिक्कत आ रही होगी? थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? एक दो एक मिनट रुक जाओ, ये तो गलत है ना, आवाज आनी चाहिए पता है आपको। अब है क्लियर? अभी भी नहीं आई? ठीक है सब रिज्वाइन कर लो, ठीक है कोई दिक्कत